किसान भाइयों, थ्रेसर मशीन चलनी शुरू हो गई है। दशमेश एग्रो इंडस्ट्रीज बठिंडा पंजाब की ये कटर है, ये गेहूं निकालने का बहुत ही शानदार थ्रेसर है। किसान साथियों, ट्रैक्टर की आवाज़ देखिए, सिकंदर ट्रैक्टर निकाले हैं इसे, सोनाली का चार सिलेंडर में आता है। किसान साथियों, इस ट्रैक्टर पर कोई लोड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से ये निकाल लिया है। किसान साथियों, ट्रैक्टर की आवाज़ देखिए, कहीं भी कोई लोड वाली सी बात नहीं है बिल्कुल। तो किसान साथियों, ये जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से मशीन निकाल रही है। भाई ये जो है तुम्हारी थ्रेसर मशीन कितनी हॉर्स पावर में है? ये 65 हॉर्स पावर में। किसान साथियों, 65 हॉर्स पावर की थ्रेसर मशीन आप देख पा रहे हैं, बहुत ही साफ तरीके से ये जो कटर मशीन गेहूँ निकाल रही है। कहीं भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी इसमें जो है कूड़ा कबाड़ा ये नहीं है। और ये फैन देखिए किसान साथियों, ये फैन जो है यहाँ से जो कूड़ा कबाड़ा है उसे साफ कर रहा है और गेहूँ को साफ तरीके से ला रहा है। ये इसका फैन हो गया, ये फैन है किसान साथियों, यहाँ से जो है इसकी हवा यहाँ तक आ रही है और ये फैन तो यहाँ पड़ी है। देखो देख पा रहा हूँ किसान साथियों, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो गेहूँ निकल रही है और इसमें जो है दो तीन बंदे जो है मुठा लगा रहे हैं और कोई भी दिक्कत जो है इस कटर पे नहीं है। बरसात अभी हुई है दो दिन पहले, गीले लाख हैं बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं। भाई दिखाइए मुठ्ठा, दिखाइए, देखो ये अभी टूट नहीं पा रहा है किसान साथियों, बिल्कुल अभी गीला है ये, देखो भीतरे देख लो। और मशीन इतनी कटर बढ़िया आई है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं हो रही है, बढ़िया तरीके से ये जो है गेहूँ इसमें निकल रही है। किसान साथियों, आप इस मशीन को ला सकते हो धनोरा से, पंजाब की कंपनी है ये, धनोरा में पुलिस चौकी के पास आपको इसकी जो है दशमेश कंपनी वालों की इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, धनोरा उत्तर प्रदेश बिजनौर में। तो किसान साथियों, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। भाई जी, जैसा आपके कोई किसान भाई इसमें जो है लेने के लिए राय मशवरा दे, तो क्या नंबर दोगे अपना मोबाइल नंबर क्या आपका नंबर जी? 99 हाँ जी, 99 17 92 56 46। इस नंबरों पर संपर्क करके जो भी किसान भाई थ्रेसर मशीन लेना चाहता है, यहाँ से जो है ये कटर लेना चाहता है धनोरा से, उसके लिए किसान भाई का मैंने आपको नंबर दे दिया है। ये इस थ्रेसर ट्रैक्टर के और जो इसके कटर के मालिक हैं, इनसे संपर्क कर लें। आपको ये कहाँ से मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आपको किसान भाई के द्वारा मिल जाएगी। किसान भाइयों, शाम का समय हो रहा है, देखो कुछ देर बाद रात होने वाली है, ओस पड़ेगी तो भी जो है ये बहुत अच्छे तरीके से जो है मशीन चल रही है, आप देख पा रहे हैं। तो दिखा दूँ मैं भाइयों आपको, ट्रैक्टर पे कहीं भी कोई लोड नहीं है, बढ़िया सोनाली का सिकंदर ट्रैक्टर है, बहुत ही अच्छा तरीके से ट्रैक्टर चल रहा। और भूत की बात करें भाइयों, देखो भूत आप देख पा रहे हो, बिल्कुल मीडियम तरीके भूत दे रही है। भूत की बात करें तो इसमें भूत आप जो है चेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से निकाल सकते हो। डबल उसमें जो देख पा रहे हैं आप, इसमें भूत निकल गया है, एक नहीं दो मुँह में जो इसमें भूत निकल गया। भाइयों, गेयर की इसमें सुविधा है, तीन भाई हमारे जो मुठा लगा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से मशीन चल रही है। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाइयों अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद। किसान साथियों नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, बरसात का अभी दो दिन पहले बरसात हुई है और जो है किसान हमारा काफ़ी परेशान है, जिससे कि उसके जो है खेतों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, रंग बदलकर गेहूं का इस प्रकार से हो गया है और बारिश की मार किसान को झेलनी पड़ रही है। किसान साथियों, जिससे क्या किसान को काफ़ी जो है घाटा का सामना करना पड़ रहा है और उसकी जो है गेहूं में उसे काफ़ी घाटा देखने को मिल रहा है और जिससे क्या उसकी जो आमदनी गेहूं का इससे रेट भी घट जाएगा कुछ जो है, जैसे कि वो निकालेगा और जो है लगभग जो है उसकी जो है आने वाली फसल के लिए वो तैयारी जो कर रहा था उसके लिए वो सर काफ़ी समय उसे जो है लग रहा है, क्योंकि बारिश से जो है गेहूं का लाख गीला हो गया है। और जो है इसमें जो है कौन सी मशीनें कैसे काम करती हैं इसके बारे में हम आपको बताएँगे। ये पंजाब का जो है दशमेश बठिंडा पंजाब से ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, ये जो है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जो क्या
गीले में भी कैसे काम करता है और किस प्रकार से अच्छा भूसा निकालता है, और किस प्रकार से इसकी जो है थ्रेसर मशीन आपको मिल जाएगी, कहाँ से आप ले सकते हो, कैसे कैसे इसके कटर के फैन कटर होता है इसका, कैसे इसके जो है काटने वाली जो इसकी पंखड़ी होती है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको जो है आगे दिखाएंगे। किसान साथियों, सोनाली का सिकंदर ये तीन सिलेंडर में आता है, चार सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है, इस पर जो है थ्रेसर मशीन पर लगा हुआ है और मशीन जो है चलने के लिए तैयार है, शाम का समय है। किसान साथियों, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको दिखा पा रहे हैं जो किस प्रकार से चलता है। देखो ये अब भाई जी जो है इस पर सबसे पहले मशीन आके इन्होंने सेट कर दी है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, और ये जो है गट्टों का पाल ये बिछ गया है जिससे क्या गेहूं जो है इनकी जो है दूर तक ना जाए, और हमारे जो है अंकल जी साथी जो हमारे मिलने वाले हैं तो उसे इस पर कटर लगा रहे हैं। इससे अंकल जी कटर दिखाना ऊपर, ये अच्छा। किसान साथियों, आप देख रहे हैं इसके जो ब्लेडों पर जो है ये जो है इसकी मशीनें लगाई जाती है जिससे कि इसके ब्लेड काफ़ी तेज़ हो जाते हैं, और तेज़ी के बाद में से जो है आराम से जो है खेत के जो लाख को जो है आराम से बढ़िया तरीके से काटती है और बढ़िया भूसा बनकर तैयार हो जाता है, जिससे कि हमारे किसान भाई अपने जो है पशुओं को अच्छे प्रकार से ये जो है कर सकें। इस प्रकार से देखिए किसान भाई, इसके ब्लेडों पर ये हमारे अंकल जी जो है लगा रहे हैं, ये इस प्रकार से इसके जो ब्लेड होते हैं। तो भाई ये देखिए, ये है पंजाब का ये एग्रो जो है दशमेश कंपनी का जो है ये थ्रेसर है, बहुत ही शानदार थ्रेसर आप देख पा रहे हैं किसान साथियों। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दिलाऊंगा जो है किस प्रकार से ये है, ये कितने फैन में आता है। हाँ जी भाई जी, अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका जैसा ये फैन है इधर आगे आ जाओ, जैसे आपका जो ये थ्रेसर देख पा रहे हैं और इसमें जो है ये फैन देख पा रहे हैं, ये फैन का क्या काम होता है इसमें थ्रेसर में? घंटा उड़ाता है, भूसा उड़ाती है। अच्छा अंकल जी, रोकिए दो मिनट के लिए, जैसे कि बंद कर लो। जैसे ये जो है आपके ये फैन देख पा रहे हैं, ये फैन का क्या काम है इसमें ऐसा लगा हुआ है? ये साफ करती है गेहूं को। अच्छा, गेहूं को साफ करती है ये, गांठा नहीं देती। अच्छा, गांठा नहीं कर, जैसे कि इधर से गेहूं आ रही है ये, तो इससे जो ये है यहाँ से सप्लाई होकर यहाँ आएगी, ये भूसा उड़ा देती। अच्छा, भूसा उड़ा जो होता है तो भूसा उड़ा देती है, और बिल्कुल साफ शुद्ध गेहूं इसमें आती है। और इसकी ये पटेली की इसकी बात करें, बेल्टों की बात करें, तो कितनी बेल्टों में आती है ये? डबल फैन में है या सिंगल फैन में आती है ये? चार बेल्टों में आती होगी हैं। तो ये बताइए, लगभग जैसा आप इसे लेकर आए हो, कहाँ से लेकर आए इसे? ये धनौरा से। धनौरा से लेकर आए, तो लगभग ये आपको नई लेकर आए या सेकंड हैंड लेकर आए? कितने रुपए की आपको प्राप्त हुई? दो लाख रुपए की। जैसे कि हमने देखा होगा संबल में भी आपने थ्रेसर मशीनें देखी होंगी, तो वो लगभग एक लाख बीस हजार के करीब मिल जाती हैं। इसमें ऐसी क्या खासियत है जिसको क्या ये दो है करीब जो है 2 लाख रुपए की थ्रेसर मशीन आप दिखा रहे हैं? ये गीले सूखे को काट देती है। अच्छा अच्छा अच्छा, गीले और सूखे को काट देती है। अब जैसे कि बारिश हुई है 2 दिन पहले, तो इस टाइम आप इसे निकालने के लिए आए हो, तो अभी आराम से जो है निकाल देगी हैं। तो इधर आ जाइए, हमें जो आगे से आपका ये ट्रैक्टर है सिकंदर सोनाली का, किसान साथियों बढ़िया अच्छी कंडीशन का ट्रैक्टर है। तो और देख पा रहे हैं आप, ये इस मशीन पर चलेगा, कैसे चलेगा, ये कितने लोड उठाएगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। हमारी वीडियो को पूरा देखें, और हमारे चैनल को जो पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। किसान साथियों, अब देखिए ये हो गया, इसमें ये भूसा निकालने का ना। किसान साथियों, आपने देखा होगा कि आपका भूसे का जो मुँह होता है वो एक ही होता है, सिंगल में देखा होगा। इसमें आप देख पा रहे हैं ये अलग तरह का थ्रेसर है, इसमें आप डबल तरह दो मुँह वाला थ्रेसर को देख पा रहे हैं, और इस थ्रेसर में आप पूरी देख पाएंगे ये बॉक्स जो है आराम से इसे ये बंद हो जाता है इधर से। और इसका जो है किसान साथियों, मैं मुट्ठे की बात करूं, जहां से मुट्ठा लगता है, तो आपको पूरे तरीके से दिखा देता हूं मैं। जैसे कि आजकल दुर्घटनाएं होती रहती हैं, मुट्ठा लगाते हैं भाई हमारे, तो उन्हें जो है मुट्ठा लगाते हैं तो उन्हें काफ़ी जो परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए इसमें बारीकी से आपको दिखा देता हूँ मैं, इसमें यहाँ पूरी रख दो, आराम से आप यहाँ भी ले लेगी, ऊपर से जो आप जो मुट्ठा लगाते हैं तो उसमें जो है किसान भाई का हाथ जाने के लिए खतरा रहता है, जिससे कि हमारे किसान भाई जो है दुर्घटना होने का खतरा रहता है। तो भाई जी, जैसे आपके गेयर दिखा रहे हैं हमें, इस गेयर का क्या काम होता है बताइए? कैसे मुट्ठा रुक भी जाए, हाँ, इसे वापसी करने के लिए होता है। अच्छा, मतलब जैसे मुट्ठा कहीं रुक जाए, बीच में गड़बड़ हो गई, तो ये जो है इसमें सरिया फरिया आ जाए। अच्छा अच्छा, जैसे कुछ किसान के जो लाख में कुछ सरिया वगैरह आता लोहे का, इससे बैक कर सकते हो, हाथ आ जाए तो वापसी निकाल सकते हैं। अच्छा, इससे वापसी निकाल सकते हैं। तो ये गेयर होता है इसका, ये हाँ, गेर क्या गेयरों में आता है भाई? ये दो गेयरों में, एक वापसी वाला और एक आगे वाला। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कि अब ये जैसे अलग खेतों पर गए आप, मान के चलो 10 बीघा खेत है, तो आपको ये बार बार लगाना पड़ेगा इस पर कैसे? जी सर, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लेड
तो इसमें इससे क्या खासियत है अंकल जी? इसमें खासियत ये है कि ट्रैक्टर पे जोड़ना पड़ता, ट्रैक्टर पे जोड़ नहीं पड़ता, और जो हमारी मशीन बहुत अच्छी तरीके से चलती है, तेल जो है ट्रैक्टर कम खाता है, अच्छा, और भूस भी हमारा अच्छा आता है। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से अंकल जी ने ये जो कटर ब्लेड के द्वारा ये चाट दिए हैं, इतने बेहतरीन ब्लेड होते हैं। अंकल जी ये बताइए, जैसे कि इसमें ब्लेड, जैसे आपका थ्रेसर आपने चलाना शुरू करा शुरू सीजन, तो उसमें ये बताइए आपका ये ब्लेड आपको बदलने पड़ते हैं बीच बीच में, ये कैसे हैं? मतलब जैसे सीजन शुरू हो गया और एंड करेंगे तो यही ब्लेड आपके काम करते रहेंगे इस पर? ये बदलने पड़ता है, इसे क्या बोलते हैं, ब्लेड ही तो बोलते हैं ना, हाँ, कंघी बोले ना, कंघी, कंघी, ये कंघी बदलनी पड़ती है कैसे? बदलना, अच्छा अच्छा घिस जाती है, बदल जाती हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको कहीं इंजीनियर के पास ले जाने, आप ही बदल देते हो? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से किसान साथियों आप देख पा रहे हैं मशीन। और भाई इसकी कोई खासियत, जैसे क्या इसका मॉडल की बात करें, ये मोटा किसानों को ऐसे पतला, हाँ अच्छा अच्छा, बारीक मोटा बारीक भूस के बारे में बताओ। मोटा हाँ, तो बारीक भी कर, अच्छा अच्छा, कितना बारीक कर सकता है इसमें? बारीक कर सकता है, अच्छा अच्छा, काफी बारीक भी कर सकता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसान साथी देख पा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बेहतरीन उसका जो है ये थ्रेसर है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर आप देख पा रहे हैं। किसान साथियों जो भी इस थ्रेसर को लाना चाहे तो उत्तर प्रदेश के धनोरा बिजनौर में ये जो है इनका जो है पुलिस चौकी के पास में जो है दशमेश का जो है इनके ओले रख, इसका जो है आपको जो है मिल जाएगा पूरी जानकारी आपको जो है यहाँ से मिल जाएगी, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, और इसे आप जो है हम चला कर दिखाएंगे इसकी जो है कैसे कैसे चलता है ये, कितना लोड इस पर पड़ता है, पूरी जानकारी थ्रेसर की आपको जो है हम देंगे, पंजाब से की कंपनी का ये थ्रेसर है और कैसे कैसे चलता है इसकी पूरी जानकारी किसान भाइयों हम आपको देंगे, वीडियो में बने रहें।